गुप्ता, आप सभी को हम बतलाते हैं कि परोपकार का क्या अर्थ है। परोपकार और परमार्थ के कार्यों में निंदा, लांछन, उपहास आदि का भय नहीं करना चाहिए। ऐसे मनुष्य की रक्षा स्वयं परमात्मा करता है, अतः निश्चिंत होकर लोक कल्याण में लगे रहना चाहिए। परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई। मनुष्य का धर्म है कि वह दूसरों की भलाई करे। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों के काम आए। यदि वह शक्ति होते हुए भी दूसरों की सहायता नहीं करता तो वह पशु के समान है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर दूसरों के लिए कितना जिया, इसी से उसके जीवन की उत्कृष्टता का पता चलता है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनुष्य उद्योग करता ही है, परंतु दूसरों के लिए कितना प्रयत्न किया, इसी से उसकी दिव्यता प्रकट होती है। हर मनुष्य को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। बड़े से बड़े समर्थ व्यक्ति को भी दूसरों का सहयोग अपेक्षित होता है। परमार्थ के कार्यों में मनुष्य जीवन की शोभा और महिमा बढ़ती है। सच्चा परोपकारी सदा प्रसन्नचित रहता है और आंतरिक हर्ष की अनुभूति करता है, दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है। व्यक्ति जीवन जितना परोपकारी बनता है उतना ही ईश्वर के समीप पहुँच जाता है। सत्पुरुष वे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते हैं। तो आप भी परोपकार करें। ओम साई राम, ओम साई राम।